मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भाजपा के लोकसभा के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के स्वागत के दौरान उनके समर्थकों में विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि रुस्तम सिंह नामक एक युवक ने धर्मेंद्र गुर्जर पर गोली चला दी। कंधे में गोली लगने से धर्मेंद्र घायल हुआ है, उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से रुस्तम सिंह को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक खबर आई है, करीब पौने एक बजे की बात है कि भाजपा कार्यालय के पास गांधी मार्केट की तरफ फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसमें एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति है, उनको गोली लगी है और रुस्तम नाम के व्यक्ति को अभी पकड़ा गया है, जिसके पास से पिस्तौल बरामद हुई है। अभी आगे का क्या इनका पुराना विवाद है और किस कारण ये सब हुआ है, ये थोड़ी जानकारी अभी एक बार लेके हम आपको आगे जो भी डिटेल है सब बताएं। हाँ, शायद इनका जो टिकट को लेके अभी जो कुछ जुलूस चल रहा था उसमें ये दोनों पक्ष आए थे और इनका शायद पुराना कुछ विवाद है, लेकिन अभी जब तक हम दोनों पक्षों से एक बार बात नहीं कर लेंगे पूरी स्थिति क्लियर नहीं होगी।